तो बच्चों जो कंसेप्ट हमने सीखा उससे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जान लें। ये कंसेप्चुअल पार्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको रटने की नहीं आप समझने की कोशिश करें। तो पहला केस, अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ठीक है, अब अगर हम एक्सप्रेशन पे ध्यान दें तो बच्चों सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन आता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे लगने वाले नेट फोर्स का सम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, या यूं बोले ACM इज इक्वल टू, मैं वापस से फॉर्मूला दिखाना चाहूंगा, M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो हमने पहला केस लिया है ACM इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको जीरो से इक्वेट कर दें तो क्या ये जरूरी है कि A1, A2, A3 और आपके हर एक पार्टिकल्स का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन जीरो आए? जी नहीं, वो जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब का सम जीरो आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ही या जितनी भी संख्याएं हैं यहाँ पे, जितने भी सम के, जितने ये प्रोडक्ट्स का सम हो रहा है, ये सब जीरो है, ये कहना बिल्कुल ही अनुचित होगा। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन जीरो होगा। वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दे मे और मे नॉट बी जीरो। इसका सिर्फ यही मतलब है, ये एक्सप्रेशन हमें इस एक्सप्रेशन पर लाकर रख देता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, उसका उसके वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होगा, अर्थात सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी बच्चों। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अब इफ v1 v2 v3 आर वेलोसिटीज ऑफ m1 m2 m3 मास इन द सिस्टम, देन v1 v2 v3 मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी वेलोसिटीज़ हो सकता है कांस्टेंट हों और हो सकता है कांस्टेंट ना हो। क्योंकि यहाँ पे भी एक्सप्रेशन VCM का एक्सप्रेशन भी बच्चों क्या होता है, हर एक पार्टिकल के थ्रू जो लगने वाला मोमेंटम है उसका सम निकालते हैं हम m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये जो m1 v1 m2 v2 ये जो इंडिविजुअल मोमेंटम्स हैं, इनका जो सम है ये कांस्टेंट है, इनका सम कांस्टेंट है, बट इनके आपस की इंटरनल वैल्यूज तो चेंज हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि v1 v2 v3 ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों जो एनालिसिस हमने सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के लिए किया, कुछ वैसा ही एनालिसिस हम सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के लिए भी कर सकते हैं। अब अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है, इसका एक ही मतलब है कि m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 इन सब का जो सम है ये जीरो निकल कर आ रहा है, यानी इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम का जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका सम है, वो जीरो है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम भी जीरो हो या इंडिविजुअल पार्टिकल्स भी रेस्ट पर हों। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होना मतलब कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे भाई साहब, उनका पोजीशन वेक्टर कांस्टेंट है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का भी पोजीशन वेक्टर कांस्टेंट हो। उनके पोजीशन वेक्टर के कांस्टेंट होने का मतलब कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी जीरो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनके मोमेंटम का सम जीरो है, यानी कि R1, R2, R3 या इंडिविजुअल पार्टिकल्स का पोजीशन वेक्टर चेंज हो भी सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता है। अब लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, चूंकि जो हमने डिस्कस करा ये VCM का एक्सप्रेशन है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के लिए, अब ये जो m1 m2 अप टू mn है ये क्या है, ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मासेस का सम है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से तो हमें
हमारे सिस्टम का नेट मोमेंटम मिल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों वही कंक्लूजन निकलेगा जो हमारे सिस्टम के नेट फोर्स के लिए निकला, कि सिस्टम का नेट मोमेंटम इंडिविजुअल पार्टिकल के नेट मोमेंटम का वेक्टर सम होगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, इसे आप ध्यान रखें। आप सिस्टम के लिए नेट मोमेंटम का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ये जो कंसेप्ट है बच्चों, इनके बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। ये आप इसी चैप्टर में आगे सीखेंगे, जब आप रोटेशन और रोलिंग वगैरह पढ़ेंगे तब इनके बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आपको समझ आएंगे। तो बच्चों हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख लिए, अब समय आ गया है कि हम उन कंसेप्ट की टेस्टिंग करें, जानें कि हमने कितना सीखा और कितना हम चूक गए। देखते हैं, टू बॉडीज ऑफ 6 kg एंड 4 kg masses हैव देयर वेलोसिटी दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों यहाँ पे आपको दो बॉडीज दी हुई हैं m1 और m2, उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटीज दी हुई हैं v1 और v2। तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे कोई हैवी कंसेप्ट नहीं है, आप फॉर्मूला लगाइए और मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। तो बच्चों ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, मतलब कुछ ही स्टेप्स में आ जाएगा। ये बस आपकी फॉर्मूला मेमोराइजिंग पावर चेक होती है इससे, कि आप याद कर पा रहे हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो आप अपनी मेमोरी में रिटेन कर पा रहे हैं या नहीं। तो बच्चों इस अध्याय, इस पूरे वीडियो की समरी यही हुई कि किस तरह से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए आप उसकी पोजिशन निकालें, फिर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसकी पोजीशन निकालें, और अब पोजीशन निकालने के बाद हम ये भी जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा, उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। धन्यवाद बच्चों।